Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video, I will explain sigma n curve and the SN curve. मैं आपको बताऊंगा कि ये SN curve का use कहाँ पे होता है. And I will also tell you the what is the fatigue strength, endurance limit and all. But before to start today's topic, I will request you guys to please subscribe MS tutorial. Here I will regularly upload the many of the videos based on the mechanical engineering subjects that will be beneficial for your university exams and also for the competitive exams. Okay, so now अब आज का topic start करते हैं. अब ये जो नाम है sigma n curve या फिर SN curve, इसके नाम से आपको पता चलेगा ये जो curve होगा stress and number of cycle में थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि number of cycle यहाँ पे क्या है. तो basically आप ये idea रखो कि ये जो curve है हमारा स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल के बीच में बनता है. बट सिग्मा एन कर्व बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि फेटिग फेलियर क्या होता है. फेलियर ऑफ ए कंपोनेंट अंडर साइक्लिक लोडिंग विल बिलो द एंड पॉइंट. इसका मतलब होगा कि जब भी इस पे आप कोई साइक्लिक लोडिंग लगा, अब साइक्लिक लोडिंग का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मान लो यहाँ पे आपने 100 न्यूटन इधर से फोर्स लगा रहा है, थोड़ी देर के बाद आपने क्या किया यहाँ से 200 लगा दिया, थोड़ी देर के बाद आपने यहाँ से 300 लगा दिया, या तो फिर इस तरह से आप जो है अपने लोड का डायरेक्शन बार बार चेंज कर, इस टाइप की लोडिंग को जो बोला जाता है साइक्लिक लोडिंग बोला जाता है. जैसे यहाँ पे देखो, ये कभी स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव में था, फिर ये धीरे धीरे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, फिर से ये स्ट्रेस बढ़ गया. तो इस तरह से जो है स्ट्रेस बार बार रिपीट हो जाता है, बढ़ते रहता है और घटते रहता है. यहाँ पे ये जो मैं स्ट्रेस और टाइम का ग्राफ बनाया ये कम्प्लीटली रिवर्स के केस में. इसी तरह इस टाइप का भी बन सकता है अगर वो ऊपर वाला हो तो. बहुत टाइप के साइक्लिक लोडिंग होता है. नाउ साइक्लिक लोडिंग को स्टडी करने के लिए मेनली हम सिग्मा मीन निकालते हैं, जो कि सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन टू होता है. और एक कभी कभी सिग्मा वेरिएबल का भी यूज करते हैं, जो कि सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन टू होता है. यहाँ पे जो हमारा साइक्लिक लोडिंग है उसके केस में सिग्मा मीन जीरो होगा. आप खुद यहाँ पे रखो, सिग्मा मैक्सिमम आपका ये सिग्मा हुआ और सिग्मा मीन यहाँ पे माइनस सिग्मा, तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा. और सिग्मा मैक्सिमम जो है वो आपका सिग्मा मिनिमम इसके केस में कम्प्लीटली रिवर्स के केस में ये और ये दोनों आपस में इक्वल होता है. तो किसी भी बॉडी का फिटिक फेलियर तब होता है जब उस पर साइक्लिक लोडिंग लगता है. फिटिक इन द सेंस फ्लैक्चुएसन. सो फ्लक्चुएशन के कारण जो फेलियर होता है वो फेटिक फेलियर होता है. नाउ हम देखते हैं इंड्योरेंस लिमिट, या तो फिर इसको कभी कभी फेटिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, फेटिक लिमिट भी बोला जाता है. अब ये होता क्या है, जैसे कि आपने यील्ड लिमिट पढ़ा होगा या तो फिर अल्टीमेट लिमिट पढ़ा होगा. ये सब तब होता है जब किसी भी बॉडी पे कॉन्स्टेंट रेट में स्ट्रेस लगता है. बट अगर यही आपके बॉडी पे कंटिन्यूसली जो है चेंज डायरेक्शन में फोर्स लगे, जैसे कि ये बॉडी हो गया और इस पे एक ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है और इस शाफ्ट रोटेशन में यहाँ पे इसमें वेट लटका हुआ है, तो जैसे जैसे ये शाफ्ट रोटेट होगा वैसे वैसे लोड का डायरेक्शन चेंज होगा. तो इस केस में जो हम लिमिटिंग वैल्यू लगा रहे हैं, तो इस केस में जो हमारा इसका स्ट्रेंथ होगा मटेरियल का साइक्लिक लोडिंग के केस में, वो इसके कंपेरिजन से थोड़ा सा कम हो जाएगा. उस इसका इस मटेरियल का जो यील्ड पॉइंट है उससे कम हो जाएगा, जो अल्टीमेट पॉइंट है उससे कम हो जाएगा. सो इंड्योरेंस लिमिट जो है वो मैक्सिमम लिमिट होता है जिस पे आप कितना भी साइक्लिक लोडिंग दो दो उस पे आपका मटेरियल फेल नहीं होगा. मैक्सिमम वैल्यू कम्प्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस विच ए मटेरियल कैन बी विदस्टैंड विदाउट फेलियर. मींस आप बॉडी में कितना भी साइक्लिक लोडिंग दे दो, आपका बॉडी इंड्योरेंस लिमिट तक उसको झेलता रहेगा, उसको नंबर ऑफ साइक्लिक लोडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे मैंने वही समझा हुआ है. ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जैसे एक ये शाफ्ट है और शाफ्ट पे यहाँ से ये दोनों तरफ से जो है बियरिंग्स लगा हुआ है और बीच में हमने वेट लगा दिया है. अब जैसे जैसे ये शाफ्ट रोटेट होगा हमारा जो साइक्लिक लोडिंग है वो इस तरह से वैरी करते जाएगा. ओके, तो इस केस में जो हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट है उसका फेल होने का चांस जल्दी है. तो मैक्सिमम कितने साइक्लिक लोडिंग तक को ये झेल सकता है, उस मैक्सिमम लिमिट को इंड्योरेंस लिमिट या फिर फेटिक लिमिट बोलते हैं. अब इस केस में अगर आप सिग्मा एन का प्लॉट करो, यानी स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल, कितने नंबर ऑफ साइकिल ये आरपीएम में ये घूम रहा है और इसमें कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, अगर इसको प्लॉट करो तो वो कुछ इस तरह से आता है. अब इस प्लॉट से हम एक चीज ये ऑब्जर्व करोगे आप कि जैसे यहाँ पे 100 साइकिल था तो उस केस में स्ट्रेस इंड्योरेंस लिमिट जो है वो ज्यादा था. स्टार्टिंग में नंबर ऑफ साइकिल कम था, मतलब फ्लक्चुएशन कम हो रहा है लोड, तो वहाँ पे देखो हमारा एंड्योरेंस, तो वहाँ पे जो है हमारा लिमिटिंग वैल्यू
जो स्ट्रेंथ है मटेरियल का वो ज़्यादा है। अब देखो जैसे ही आपका नंबर ऑफ साइकिल बढ़ा, आपका स्ट्रेंथ फिर से घट गया, फिर से बढ़ा तो फिर से घट गया। तो एक ऐसा लिमिटिंग वैल्यू होता है जिसके बाद आप कितना भी नंबर ऑफ साइकिल बढ़ा दो उसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा। इस लिमिटिंग वैल्यू को ही हम बोलते हैं थ्योरिटिकल इंड्योरेंस लिमिट, या तो फिर लैब वैल्यू इंड्योरेंस लिमिट, या तो फिर फैटिक लिमिट, या तो फिर फैटिक स्ट्रेंथ, कुछ भी बोल सकते हो। और इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो इससे भी थोड़ा कम होता है, इससे बहुत सारे फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे कि हमारा के सरफेस हो गया, के साइज हो गया, के लोड हो गया, के रिलायबिलिटी हो गया, के मॉडिफिकेशन हो गया, तो ये सभी जो है 1 से कम होते हैं। तो जैसे ही इस थियोरिटिकल वाले में इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका जो प्रैक्टिकल इंड्योरेंस लिमिट है वो और कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थियोरिटिकल। नाउ ये स्टील और कास्ट आयरन का कुछ होता है, जैसे कि अगर स्टील जो है उसका इंड्योरेंस लिमिट 0.5 हाफ ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, एंड कास्ट आयरन जो है उसका 0.4 इंटू सिग्मा यू होता है। सो ये था आज का कंप्लीट टॉपिक, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन करें, एंड ऑल्सो फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब MS ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, गुड लक।